नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का रिंगस कस्बे में किया भव्य स्वागत। रिंगस कस्बे के NH-52 डेरूजी मोड़ पर रविवार को राजस्थान विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का पूर्व चिकित्सा मंत्री बंसीधर बाजिया व रिंगस मंडल अध्यक्ष राजेंद्र बात्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा माला व श्याम दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। एडवोकेट दीपक बाजिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 6 बार विधायक रह चुके राजेंद्र राठौड़ को राजस्थान विधानसभा का नया नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद पहली बार चूरू जाते समय रिंगस के भेरूजी मोड़ पर स्वागत किया गया। बाजिया ने बताया कि राठौड़ राजस्थान प्रतिपक्ष की आवाज बनकर वह सर्व समाज को साथ लेकर कार्य करने वाले जमीनी स्तर का नेता है। जरूर इनके कार्यों से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस दौरान पूर्व चिकित्सा मंत्री बंसीधर बाजिया, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष बोधुराम कुमावत, एडवोकेट दीपक बाजिया, एडवोकेट गिरिराज सिंह तंवर, रामकिशन सैनी, राकेश शर्मा, उमेद सिंह ठिकरिया, विष्णु चुलेट, श्याम सुंदर सोनी, संजय शर्मा, अभिषेक सिंह शेखावत, बलदेव सिंह खंडेला, पार्षद मोतीराम बावलिया, पार्षद बीरबल निठारवाल, रणवीर सिंह झाला, रतन सिंह तंवर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज माननीय राजेंद्र राठौड़ जी नेता प्रतिपक्ष आज नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में प्रथम बार चुरू जा रहे हैं। आज रिंगस भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान की आवाज बन के, प्रतिपक्ष की आवाज बन के माननीय राजेंद्र राठौड़ जी सर्व समाज को साथ लेकर वहां पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़ा हर्षोल्लास है। एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। हम सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए और उनके सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।